अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात लाता हूँ। आज भी एक बहुत अच्छे फार्मूले के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। हालांकि नुस्खा आज का बहुत छोटा है, सिर्फ एक चीज़ पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके फवाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये नुस्खा ख़ास करके मेरी बहनों के लिए है और उन बहनों के लिए है जिनको पीरियड ज़्यादा होते हैं या पीरियड वक्त से पहले ही शुरू हो जाते हैं। पीरियड के दौरान उनको इतना बिलट जाता है हिसाब से ज़्यादा, जिसकी वजह से वो पीली पड़ चुकी होती हैं, कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो पीरियड को नॉर्मल करने वाला ऐसा नायाब फार्मूला आज मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि उससे पहले मैं 3 नुस्खे बता चुका हूँ, ये नुस्खा नंबर 4 है। इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करेंगी, मुझे अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजेंगी। तो अगर किसी मेरी बहन को पीरियड ज़्यादा होते हैं वक्त से पहले, मान के चलिए किसी को 10 दिन में शुरू हो गए, 15 दिन में शुरू हो गए, तो ये एक ख़राबी है। तो अगर आप इस परेशानी में मुलव्वस हैं तो प्लीज़ मेरा ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दें और नुस्खा नोट करें। आपको लेना है गुले मुल्तानी 25 ग्राम ले लें। गुले मुल्तानी 25 ग्राम लेने के बाद किसी भी पंसार स्टोर पे आसानी के साथ मिल जाएगा। उसके बाद जो है आधा लीटर पानी लें। आधा लीटर पानी में इसको 2 घंटे तक यूँ ही भिगो के रखें। जब बाद में उसके बाद जो है 2 घंटे हो जाएं तो इसको छान लें अच्छे से। छानने के बाद ये पानी किसी बोतल में कर लें और दिन में 4 मरतबा 125 मिलीलीटर पानी, ये जो दवाई आपकी बनके तैयार हुई है ये 4 मरतबा लेनी है, ठीक है। हर 3 घंटे के फासले से आपको ये इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह पीरियड कितने भी ज़्यादा क्यों ना आते हों, वक्त से पहले क्यों ना आते हों, ज़्यादा बिलट क्यों ना आता हो, नॉर्मल हो जाएगा, बिलट भी अपनी जगह हो जाएगा, पीरियड अपनी जगह होने लगेंगे। तो बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत सस्ता है, एक मरतबा इसे ज़रूर आजमाएं। होगी अगली वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।